धर्म जागरण समन्वय समिति के द्वारा हर साल स्वामी लक्ष्मणानंद महाराज के शहीदी दिवस के कार्यक्रम पर हिंदू समाज द्वारा उनके किए हुए कार्यों को याद किया जाता है। स्वामी लक्ष्मणानंद महाराज जी द्वारा जीवन भर हिंदू धर्म में फैली कुरीतियों को दूर करने और हिंदू धर्म में हो रहे धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कार्य किए गए। वहीं उत्तराखंड के प्रदेश प्रशासनिक संपर्क प्रमुख सुधीर बंसल ने कहा कि स्वामी जी का जन्म केरल के कंधमाल क्षेत्र में हुआ था। स्वामी जी द्वारा हिंदू धर्म में हो रहे धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए केरल में 108 गांव की पद यात्रा की गई थी, जिससे नाराज होकर 23 अगस्त 2008 में आश्रम में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। तब से धर्म जागरण द्वारा हर साल 23 अगस्त को इनका शहीदी दिवस मनाकर हिंदू समाज के लिए किए गए उनके कार्यों को याद किया जाता है। अपने स्वामी लक्ष्मणानंद जी जो महाराज थे, ये केरल में पैदा हुए और शादी होने के बाद उनके एक पुत्र भी था, मगर ईसाई मिशनरी का वहाँ पर जबरदस्त तरीके से धर्मांतरण चल रहा था। उन लोगों ने भोले भाले वहाँ के गिरिवासी और सब लोगों को बहला फुसला कर प्रलोभन देकर धर्मांतरण तेजी से कर रखा था। तो स्वामी जी को लगा और मैं पूरे उन बस्तियों में गए, उनको समझाया, उनके इतिहास से जोड़ा, जो पूर्वजों का जो उनका इतिहास है पुराना, उस शौर्य से जोड़ा, तो पूरा का पूरा 2.5 लाख पूरा जो ईसाई बन चुके थे उनको पुनः हिंदू धर्म में वापस लेके आए। तो पूरी ईसाई मिशनरियों में खुलबली मच गई और उनकी 23 तारीख को हत्या कर दी थी। तो उसी को लेके हम लोगों ने उनका आज बलिदान दिवस के रूप में मनाया है।